हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माय सेल्फ अमन। देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 6A ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। अब चैप्टर 6 जो है ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन है, 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है। तो ये दो एक्सप्रेशन है जो कि इक्वल टू के साथ में अपने रखे हुए हैं। सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा क्वेश्चन क्यों है 2x = 4। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये एक्स है ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करते हैं इसे अपने क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एंड द वैल्यू, अब जो एक्स की वैल्यू आएगी जैसे 2 चला जाएगा डिवाइड में तो x = 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है इसे अपने बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट साइड में जो होता है उसे अपने बोलते हैं राइट हैंड साइड। और ये आपकी जो इक्वेशन होती है इसे इक्वेट करते हैं इक्वल टू के साइन से। तो ये हो गया कुछ बेसिक। और अब हमने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे जो यहाँ पर सोल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपने बेसिक इसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं क्या करना है। आपको हमेशा जो एक्स है या वाई है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पास से जो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको हटानी है। अब कैसे हटाएंगे, देखिए सबसे पहले इस 7 को हटाते हैं। तो 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग। देखिए यहां पर एडिशन है, तो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से अपने 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से देखिए 2x + 7 - 7 = 11 - 7, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए +7 से -7 हो गया कैंसिल। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते ही ये प्लस का 7 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये सबसे पहले ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये ईजिली समझ में आए कि आखिर होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x यहाँ पर अपने पास बचा 11 - 7, ये आपके पास होता है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवाइड बाय, अब यहाँ से अपने को 2 रिमूव करना है। अब 2 मल्टीप्लाई में आपको देखिए जो भी आपको रिमूव करना है उसका अपोजिट साइन अपने को करना है। देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव जो 7 है वो ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो अपने लिख देते हैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2x / 2 एंड 4/2, तो यहाँ से देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। अगर दूसरे तरीके से देखें यहाँ से 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 4/2 = 2, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों तरीके यहाँ पर समझ में आ चुके हैं। तो अब अपने जो दूसरा है क्वेश्चन बी, ये अपने कर लेते हैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ से देखिए 8+ का राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5y = 23 - 8, ठीक है। तो 5y = 23 में से 8 गया तो आपके पास बचा 15। अब देखिए 5 यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो y = 15/5 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। बेसिक को कभी नहीं भूलना। बेसिक आपको समझ में आ गया फिर आप जो कैलकुलेशन है इजीली अपने आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो अपने जो आपका बैलेंसिंग मेथड उसे करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4x रहेगा यहाँ पर, 9 जो है राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए 4x = 7 + 9 = 16 और 4 यहाँ से मल्टीप्लाई का राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आपके पास x = क्या आ गया, 4।
तो ए का आंसर 2, बी का आंसर 3 एंड सी का आंसर आपके पास 4। नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी वाला जो है ये एक और अपने जो है ओल्ड मेथड से कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए एडिंग, अब यहाँ पर 1 है यहाँ पर ऐड हुआ हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, y बाय 7 प्लस 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1 से माइनस 1 हो गया कैंसिल, सो y बाय 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। अब यहां से देखिए आपको रिमूव क्या करना है, 7 रिमूव करना है। तो 7 डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड्स। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप जिस चीज का मल्टीप्लाई या एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं उसी का आपको हमेशा किस में करना है, राइट हैंड साइड में करना है, टू मेक आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस, उसका जो लूज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी भी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहाँ नहीं करते तो आपकी जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन खराब हो जाएगी और आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू वाई बाई 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। तो 7 से हो गया 7 कैंसिल और 2 इंटू 7 होता है 14। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, 14 आ गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस को आखिर सॉल्व करना कैसे है, है ना। नेक्स्ट बात करें ई पार्ट की। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से। अब देखिए अगर इस 1 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, माइनस 1 हो जाता। वैसे ही 6 को मैं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर आपके पास बचेगा टी बाय 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 6। सो टी बाय 4 9 माइनस 6 होता है 3, ठीक है। अब देखिए 4 जो है ये डिवाइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो टी इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 आपके पास होता है 12 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कैसे किया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपने एफ पार्ट की, ठीक है। तो एफ पार्ट में बिल्कुल सिमिलरली 9 जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा नेगेटिव। सो एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की टर्म हमारे पास क्या है, बड़ी है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 8। अब 3 है देखो डिवाइड में, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और x इज इक्वल टू माइनस 24 इज योर आंसर फॉर द f पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2x प्लस 1। अब इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है, ठीक है। सो अब अपने x वाली टर्म को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाते हैं अपने राइट हैंड साइड में। तो साइन आपके जो प्लस के हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव पड़ा है प्लस 1 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस एक्स एक्स 7 माइनस 1 6 एंड दिस इज योर आंसर, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बी पार्ट की। अगेन एक्स वाली टर्म को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो 5x माइनस 3x, ठीक है। और इस कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, सो 20 माइनस 12। तो यहाँ से देखिए 5x माइनस 3x हो गया आपके पास 2x, 20 माइनस 12 8। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 8 बाय 2 और x इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर फॉर बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सी पार्ट की। अगेन देखिए 8y है, 8y को ले आते हैं अपने इधर लेफ्ट हैंड साइड में, सो 3y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। तो यहां से देखिए 3y माइनस 8y ये हो गया माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। अब माइनस 5 यहां पर मल्टीप्लाई में वहां जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 और y आपके पास आ गया 3 एंड दिस इज योर
आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अपने डी पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए पी वाले टर्म को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो 6p माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस का 18 जाएगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा प्लस का, सो 18 माइनस 7, सो 6p माइनस 5p ये आपके पास बचा p, और 18 माइनस 7 होता है 11, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें यहां पर अपने ई पार्ट की। तो देखिए टी माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का, सो टी प्लस टी इज इक्वल टू 20 एज इट इज पड़ा है, 10 प्लस का राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है, सो टी प्लस टी हो गया आपके पास 2t, एंड 20 माइनस 10 10, 2 जाएगा डिवाइड में, तो टी इज इक्वल टू 10 बाय 2 और टी आपके पास आ गया 5, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट बात करें एफ पार्ट की, अगेन सिमिलर जेड वाली टर्म जो को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7z माइनस 2z, ठीक है, प्लस का वहां जाके हो गया माइनस का, और माइनस का 28 और जो 18 यहां पर माइनस का वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 18, ठीक है, तो 7z माइनस 2z ये आपके पास हो गया 5z, और माइनस का 28 प्लस का 18 ये हो गया माइनस का 10, 5 जाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो जेड इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 टू जा 10 माइनस एस टीज पड़ा है, तो जेड की वैल्यू आपके पास हो गई माइनस का 2, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने इस 2x वाले को सोल्व करते हैं। देखिए 5x माइनस 2x, तो 5x माइनस 2x आपके पास हो गया 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 14। अब इस 8 को ले जाएंगे अपने राइट हैंड साइड में, सो 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 8, और 14 माइनस 8 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एक मिनट 3x और 14 माइनस 8 आपके पास हो जाता है 6, ठीक है, और 3 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 3 और x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट b की बात करें, तो सबसे पहले देखिए आपको ब्रैकेट सोल्व करना हो तो ब्रैकेट से करते हैं अपने मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 इंटू या फिर अपने इस 5 जो मल्टीप्लाई है इसको ले जाते हैं डिवाइड में, ठीक है, 5 को डिवाइड में ले गए, सो x माइनस 7, सो माइनस 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है, सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 टू जो 10 ये हो गया माइनस का 2। अब माइनस का 7 जो राइट हैंड साइड में जाएगा ये हो जाएगा प्लस का, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7, माइनस का 2 प्लस का 7, आंसर आ गया आपके पास प्लस का 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की, ठीक है, तो यहां पे देखिए माइनस का 7x और प्लस का 3x ये आपके पास आ गया माइनस का 4x, माइनस का 11 जाएगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा प्लस का 11, ठीक है, सो माइनस 4x 5 प्लस 11 हो गया 16, ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 4 मल्टीप्लाई का वहां जाएगा डिवाइड में, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 4 4 जो क्या होता है 16, और माइनस का साइन हमारे पास एज इट इज पड़ा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी पार्ट की। अगेन देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2 जो राइट हैंड साइड में है इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा यहां पर डिवाइड में, तो 6 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस सी, ठीक है, और यहां से क्या करेंगे 2 3 जा होता है 6, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस सी, और यहां से जो आपका 7 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 7 को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस 3 एंड माइनस 7 ये हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस सी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की, तो माइनस से हो गया माइनस कैंसिल और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, एक एक क्वेश्चन सेम है, बस आपको ध्यान रखना है अपनी कैलकुलेशन का। नेक्स्ट देखिए अपने इसको करते हैं सोल्व।
तो यहाँ से देखिए, अब ये प्लस का साइन अब सिंपली सीधा 5 को डिवाइड में नहीं ले सकते, तो पहले हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 10W प्लस 8W इज 15। सो माइनस का 10W प्लस का 8W आपके पास आ जाएगा माइनस का 2W इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से देखिए 5 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, सो माइनस 2W इज इक्वल टू 15 माइनस 5 ऑब्वियस आपको पता है 10 होता है, सो 2W इज इक्वल टू 10, और माइनस का 2W मल्टीप्लाई का वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में, सो W इज इक्वल टू 10 बाय माइनस 2, तो 2 से डिवाइड करने पर आता है 5, माइनस ऑलरेडी पड़ा है तो W इज इक्वल टू माइनस 5 एंड दिस इज योर आंसर फॉर ई पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट में देखिए वही सिमिलरली, सबसे पहले हम इस माइनस 8 प्लस का 8 है उसको ले जाते हैं उधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ही हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ से देखते हैं अपने 3p माइनस 5 को। ठीक है, 3p माइनस 5, तो यहाँ से देखिए 17 माइनस 8, तो 17 माइनस 8 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 9, 9 इज इक्वल टू 3p माइनस 5। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगेन वो चला जाएगा डिवाइड में, सो 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पी माइनस 5 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 होता है 6। ठीक है, और माइनस का 5 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का, सो पी इज इक्वल टू 5 प्लस 6 एंड पी इज इक्वल टू 11 इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार अपने चेक कर लेते हैं, पी इज इक्वल टू 8 आ रहा है अपना, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हुई है देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 होता है ना, 3 6 जा 9 नहीं होता, सो 3 3 जा 9 और 5 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, हो जाती कभी कभी कैलकुलेशन में गलती, आपको अभी हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक कम से कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से अपने इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो 3x प्लस 4x जो 6x यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 12 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 4 7x माइनस 6x, 12 प्लस 6 18। ठीक है, तो 7 माइनस 6 होता है 1, तो x इज इक्वल टू 18 इज योर आंसर। ठीक है, सो फोर्थ का ए पार्ट का आंसर आपके पास क्या हो गया 18। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बी पार्ट की। तो बी पार्ट में सबसे पहले अपने इसको करते हैं सोल्व, कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो 6 प्लस का माइनस का 2 आपके पास यहाँ पर बचा 4x, माइनस का 3 ले जाते हैं अपने राइट हैंड साइड में, सो माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ से देखिए 4x इज इक्वल टू 0, इस 4 को अपने ले जाएंगे डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 0 बाय 4। किसी भी नंबर में अगर आप 0 मतलब 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट बात करें सी पार्ट की, तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं अपने, तो प्लस का 6 है इसको अपने ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो 12 माइनस 6 माइनस 6x, और यहाँ पर इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 2 12x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस 6 आपके पास हो जाता है 6 एंड माइनस का 6x इज इक्वल टू 24 प्लस 12x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो आपकी सिमिलर थिंग्स है लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6x और माइनस का 12x, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो गया, तो 24 और यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो दोनों नेगेटिव हैं तो एडिशन हो जाएंगे, तो माइनस 18x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, ये भी आपके पास क्या होता है 18,
तो x को रखेंगे यहाँ पर 18 डिवाइड बाय माइनस 18, ठीक है, माइनस की टर्म है, वन टाइम जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस वन इज योर आंसर फॉर सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी पार्ट है इसके लिए आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस वन। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने डी पार्ट की। अगेन देखिए, सिक्स को रहने देंगे एज इट इज, टू से करेंगे मल्टीप्लाई, टू इंटू थ्री 6x, टू इंटू सिक्स माइनस 12, थ्री इंटू एक्स 3x, थ्री इंटू टू 6, ठीक है। तो यहां से अपने देखते हैं लाइक टर्म्स को ले जाते हैं एक तरफ, तो 6x माइनस 3x, ठीक है, 6 ऑलरेडी यहाँ पड़ा है, माइनस का 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 6 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो 6 से हो गया 6 कैंसल, और 6x माइनस 3x ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12, 3 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 12 बाय 3 और x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर फॉर डी पार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ई पार्ट की। अब बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हम इसको कर देंगे सोल्व। देखिए सबसे पहले अपने करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 4 इंटू टू ये हो गया 8x, 4 इंटू सिक्स ये आपके पास हो गया 24, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू थ्री 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे 8x प्लस 3x ये आपके पास हो गया, तो एक मिनट, 8 प्लस 3 11x, ठीक है, माइनस का 24 एंड माइनस का 9, तो माइनस का 24 एंड माइनस का 9 ये हो गया 33 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 33 को अपने ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, सो 11x इज इक्वल टू ये हो गया प्लस का 33, 11 मल्टीप्लाई का राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, सो 33 डिवाइड बाय 11, सो 11 थ्री जगह क्या होता है 33 और x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। और फाइनली फोर्थ का एफ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है फोर्थ का, ये भी अपने कर देते हैं। देखिए करते हैं सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 2y 6y, 3 इंटू 4 12 प्लस 3y, 5 इंटू y 5y, 5 इंटू 4 माइनस 20। लाइक टर्म्स को ले जाते हैं एक तरफ, 6y प्लस 3y माइनस 5y, वाई यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का 12 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। तो 6y प्लस 3y ये हो गया 9y, 9y माइनस 5y 4y, और 12 माइनस 20 माइनस 8, और यहाँ से देखिए 4 जाएगा डिवाइड में, माइनस 8 डिवाइड बाय 4 और y इज इक्वल टू माइनस 2 इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास f पार्ट का आंसर क्या आ गया, माइनस 2। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे अपने सोल्व। देखिए क्वेश्चन देख के डरना कभी भी नहीं है, क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है, करते जाएंगे। तो 2 इंटू 5 10m, 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, प्लस 3 इंटू m 3m, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 12, प्लस 4 इंटू 2 8m, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। अब यहीं पर ही देखिए इनको पहले अपने सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 10m प्लस 3m 13m, माइनस का 16 प्लस का 8 आपके पास बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8 एंड देखिए इसको अपने अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 6 14, ठीक है, प्लस 14 माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 12 प्लस का माइनस का 4 आपके पास बचेगा 8, सो 8 प्लस 8 एम, और यहाँ से अपने इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 13 एम और 14 प्लस का माइनस का 16 तो बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 एम। अब लाइक टर्म्स को ले जाते हैं एक तरफ, 13 एम 8 एम लेगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का, तो 8 पड़ा है पॉजिटिव, माइनस का 2 राइट हैंड साइड में जाएगा हो जाएगा प्लस का,
ठीक है। सो 13 माइनस 8 ये आपके पास होता है 5m, 8 प्लस 2 आपके पास होता है 10, ठीक है। और 5 जाएगा देखिए डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू 10/5 और m इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, सिंपल आपको बेसिक्स का यहाँ पर यूज करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।